हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकलव्य क्लासेज। दोस्तों, मैं सुनील वर्मा आपका जो है चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं इसमें जो है करंट अफेयर के पार्ट थ्री जो है इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे जो है पार्ट वन और पार्ट टू जो है यूट्यूब पे जो है चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, इसीलिए मैं तीसरा जो है पार्ट बनाने जा रहा हूँ। इसमें जो है ये तीन पार्टों में जो है जून से लेकर दिसंबर तक पूरा करंट अफेयर जो है इसी में कवर हो जाएगा दोस्तों। ये स्पेशल यूपीपी के लिए बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम पहला क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ओजोन परत के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये जो है दोस्तों कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 15 दिसंबर, यहाँ पर 18 दिसंबर होगा 15 की जगह पे। दोस्तों, ये इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो है 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार की जो थीम क्या थी, कीप टूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों, ये जो है 2018 की जो है थीम थी। दोस्तों, ओजोन परत में क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत जो है किस मीटर से मापा जाता है, यानी इसका पैमाना क्या होता है। दोस्तों, ये जो है डॉप्सन होता है, डॉप्सन से ही जो है हम ओजोन परत को मापते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि हर साल चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन है 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर। इसमें दोस्तों ये चैरिटी दिवस जो है ये जो टीचर डे मनाया जाता है दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के डेट ऑफ बर्थ पे। दोस्तों, ये जो है हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे और सेकेंड ये प्रेसिडेंट रहे। पहले जो है उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। दोस्तों, ये इनके जो है डेट ऑफ बर्थ पे जो है दोस्तों ये चैरिटी जो मनाया जाता है ये जो है मनाया जाता है 5 सितंबर को। दोस्तों, 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन ए है 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर। इसमें जो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है 8 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है। ये इस बार की जो थीम दोस्तों क्या थी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट। क्या थी? लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व। ऑप्शन ए है 8 सितंबर, ऑप्शन बी है 9 सितंबर, ऑप्शन सी है 10 सितंबर, ऑप्शन डी है 11 सितंबर। ये जो है दोस्तों इस बार की जो है थीम क्या थी, रेज अवेयरनेस अराउंड वर्ल्ड दैट सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड। दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो सी दिया है 10 सितंबर, 10 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो है 12 सितंबर को मनाया जाता है, 13 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। दोस्तों, इसमें जो है ये हिंदी को जो है मातृभाषा में बढ़ाने के लिए जो है ये भारत की मदर टंग जो है माना जाता है, लेकिन ये राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है भी नहीं दोस्तों, ये जानते हो। ये भारत की जो है मातृभाषा बढ़ाने के लिए जो है ये मनाया जाता है दोस्तों। अब आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि 5 सितंबर को, एक बार जो है रिवाइज फिर से कर लेते हैं, 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे मनाया जाता है ये जो है, और चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को राधा कृष्णन के डेट ऑफ बर्थ पे। दोस्तों, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस जो है मनाया जाता है। और 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम के लिए जो है दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन है भारत भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में कौन सा महीना मनाया जाता है।
व्हिच मंथ इज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया एज द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ? ऑप्शन ए है अक्टूबर, ऑप्शन बी है अगस्त, ऑप्शन सी है सितंबर, ऑप्शन डी है नवंबर। इसमें जो है इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं चार दोस्तों, इसमें से जो ऑप्शन सी नंबर सितंबर है, सितंबर जो महीना होता है दोस्तों, ये जो है न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन मंथ जो है इसको माना जाता है दोस्तों। इसमें जो इसे मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है जो एडोल स्कैंड जो होते हैं, एडोल स्केल जो गर्ल्स होती हैं, इनको जो है प्रेग्नेंट वोमेन और लैक्टिंग मदर यानी इनके लिए जो है ये जो यानी न्यूट्रिशन जो है भोजन मिले उसके आधार पे जो है यह महीना जो है दोस्तों माना गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की है? इटली ने शुरू की है, नॉर्वे ने शुरू की है, जर्मनी ने शुरू की है, डेनमार्क ने शुरू की है। हाइड्रोजन चलित संचालित ट्रेन का मतलब दोस्तों इसमें यह है कि इसमें से सिर्फ जो है भाप निकलेगी, भाप से यानी ये जो है भाप से चलेगी दोस्तों, इसमें जो है जलवाष्प निकलेगी और इसमें दोस्तों इसमें जो है पॉल्यूशन जो है इससे नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए जो है ये पहला जो है देश कौन सा चालू किया दोस्तों, ये सिर्फ जर्मनी ने चालू किया दोस्तों। जर्मनी की चांसलर जो है पूछ लेता है कि जर्मनी की चांसलर कौन है, एंजेला मार्केल है। कौन है दोस्तों? एंजेला मार्केल है दोस्तों। यहाँ की कैपिटल क्या है, ये जर्मनी के कैपिटल क्या है, बर्लिन है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं दोस्तों। यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। करेंसी क्या है, यूरो है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्मार्ट फेंस पायलट परियोजना शुरू की गई जिसके साथ सीमा है दोस्तों? किसके साथ है सीमा? पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, बांग्लादेश बॉर्डर के पास है, चाइना बॉर्डर के पास है, म्यांमार जो है बॉर्डर के पास है दोस्तों। ये जो जो ये स्मार्ट फेंस पायलट परियोजना जो है ये शुरू की गई है, ये पाकिस्तान बॉर्डर से शुरू की दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है कौन सी रेखा है, तो ये जानते हो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी दोस्तों रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। चाइना और भारत के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों? ये जो है मैकमोहन रेखा है। कौन सी है दोस्तों? मैकमोहन रेखा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हुए हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हुए हैं, तो ये कौन है? इमरान खान है। ये जो है पीटीआई पार्टी से हैं, पीटीआई पार्टी से ये जीते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है कि 2018 ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट में कौन सा देश मेज़बान है, यानी इसमें जो है साइकिलिंग यानी एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट में जो है कौन सा देश मेज़बानी करेगा? इंडिया करेगा या चाइना करेगा, नेपाल करेगा या जापान करेगा दोस्तों। इसमें जो है ये कौन कर रहा दोस्तों? ये जो है इंडिया कर रहा, इंडिया जो है इस टूर्नामेंट को जो है ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और इसमें जो है गोल्ड मेडल दोस्तों कौन जीते हैं? अंडमान निकोबार के, इसमें इनका नाम है एल्बो, इनका नाम है ईसो एल्बन। ये 17 साल के हैं दोस्तों, ये जो है साइकिलिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, ये अंडमान निकोबार से हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास अविंद्र 18 निम्नलिखित देशों में से किन के बीच शुरू किया गया? दोस्तों एक्सरसाइज जो होती है बहुत ज़्यादा मोस्ट होती है हमारे एग्जाम के लिए दोस्तों। इसमें जो ये पूछ रहा है कि अविंद्र 18 जो है किन किन देशों के बीच ये शुरू की गई? एक है जापान इंडिया के बीच शुरू की गई, या रसिया जापान के बीच शुरू की गई, या चाइना पाकिस्तान के बीच शुरू की गई, या जो है इंडिया रसिया के बीच शुरू की गई दोस्तों। इसमें जो है कौन सा होगा दोस्तों? इसमें जो ऑप्शन नंबर जो इसमें इंडिया और रसिया है दोस्तों, इंडिया और रसिया के बीच जो है ये अविंद्र 18 जो है एक्सरसाइज करवाई जाती है दोस्तों, सैन्य अभ्यास है दोस्तों। हम इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट दी हैं, कुछ हम इम्पोर्टेंट एक बार जो है इनका रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। इंडिया और श्रीलंका के बीच क्या होता है? सलाइनेक्स होती है एक्सरसाइज। इंडिया और यूएसए के बीच क्या होती है? युद्ध अभ्यास होता है। और बिम्स्टेक कंट्रियाँ दोस्तों कौन सी होती है? बिम्स्टेक कंट्री यानी बिम्स्टेक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? नेपाल में है, काठमांडू। ये इसके साथ होती है, सलाइनेक्स होती है। इंडिया और मंगोलिया के बीच क्या होती है? नॉर्मेडिक एलिफेंट। और चाइना और नेपाल के बीच कौन सी होती है? सागरमाथा। चाइना और नेपाल के बीच कौन सी होती है? सागरमाथा होती है। और एक दोस्तों और था, इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी होती है? सूर्यकिरण 13। ये उत्तराखंड में होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें जो है रसिया और इंडिया के बीच होता है दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि रसिया के जो है प्रेसिडेंट कौन है? रसिया के दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है इस समय दोस्तों? इसमें जो है पूछ लेता है कि रसिया के जो है प्रेसिडेंट कौन है? ये व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल है। और रसिया की कैपिटल क्या है? मास्को है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है, किस भारतीय नौसेना के जवान ने क्षेत्रीय समुद्र सगाई अभ्यास काकाडू 2018 में भाग लिया? दोस्तों कौन है? INS विक्रांत है, INS विराट है, INS
सतपुरा है, INS सह्याद्री। दोस्तों इसमें जो है जो हमारी जो नेवल है, जो इंडियन नेवल है, इसमें जो सह्याद्री जो है, ये सह्याद्री ये जो है भाग लिया था काकाड़ू में। काकाड़ू दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया जो है आग्नेय करवाता है, और ऑस्ट्रेलिया जो एक पिच बैग जो है आग्नेय करवाता है दोस्तों। ये दोनों जो है, ये एक जो है ये काकाड़ू और ये पिच ब्लैक, दोनों जो है ये ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज करवाता है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो है एक ऑस्ट्रेलिया में पूछता है कि एक काकाड़ू नेशनल पार्क, काकाड़ू नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन है पूछ लेता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। काजिंद 2018 सैन्य अभ्यास भारत और डैश किसके बीच आयोजित किया जाता है दोस्तों? काजिंद जो है किसके बीच किया जाता है दोस्तों? ये कजाकिस्तान के साथ किया जाता है, कारिस्तान के किया जाता है, किरबाती के साथ किया जाता है, कुवैत के साथ किया जाता है दोस्तों। ये जो है किसके साथ किया जाता है? कजाकिस्तान। किसके साथ? कजाकिस्तान किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है दोस्तों कि यहाँ के कैपिटल क्या है, अस्थाना है, यहाँ के जो है प्रेसिडेंट कौन है? नूर सुल्तान नजरबेये जो है, और करेंसी क्या है? टेंग है। करेंसी क्या है दोस्तों? टेंग है। ये देखिए दोस्तों इसमें जो है ये दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि स्लाइनेक्स 2018 नौसेना अभ्यास में कौन से दो देशों ने भाग लिया है? इंडोनेशिया सिंगापुर ने लिया है, इंडिया और श्रीलंका ने लिया है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने लिया है, इटली और स्पेन ने लिया है दोस्तों। इसमें जो है चार ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा दोस्तों होगा? इसमें जो है कौन से एक्सरसाइज जो है देश के साथ हुई दोस्तों? इसमें जो इंडिया और श्रीलंका के साथ कौन सी होती है? स्लाइनेक्स होती है, स्लाइनेक्स होती दोस्तों। इसमें जो है यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की जो है कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धने पूरा कोटे। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मैत्रीपाला सिरिसेना है। और यहाँ की करेंसी क्या है? रूपी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि भारत और USA किस राज्य में युद्ध अभ्यास आयोजित शुरू करेंगे? उत्तराखंड में करेंगे, हरियाणा में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, सिक्किम में करेंगे? इसमें युद्ध अभ्यास जो है USA के साथ और इंडिया के साथ दोस्तों होता है, ये जो है किस राज्य में करेंगे दोस्तों? उत्तराखंड में करेंगे, उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज होगी। देखो क्वेश्चन जो है और कुछ डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है कि इंडिया और श्रीलंका जो है कौन सी एक्सरसाइज करती हैं? ये स्लाइनेक्स करती हैं। इंडिया और मंगोलिया क्या करती हैं? नॉर्मेडिक एलिफेंट करती हैं। और बिम्स्टेक कंट्रियाँ जो है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? काठमांडू नेपाल। ये जो स्लाइनेक्स करती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा है कि नोमैडिक हाथी यानी जो नोमैडिक एक्सरसाइज होती है 2018 व्यायाम यानी भारत और दूसरे देश के बीच जो है किस देश के साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ होता है, मंगोलिया के साथ होता है, इजिप्ट के साथ होता है, USA के साथ होता है। इसमें से जो है किस देश के साथ जो है एक्सरसाइज होती है दोस्तों? इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो मंगोलिया है, मंगोलिया दोस्तों, ये मंगोलिया जो है रसिया और चाइना के बीच है दोस्तों। ये जो है रसिया और चाइना के बीच में, ये जो है मंगोलिया में होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन खेल रत्न जो है प्राप्त करेगा? यानी इसमें जो है नीरज चोपड़ा, हिमा दास करेंगे, विराट कोहली और मीराबाई चानू करेंगी, या जो है राही रॉबर्ट एंड बिशन फोगाट करेंगे, या सतीश कुमार एंड स्मृति मंधाना करेंगे दोस्तों। इसमें से जो है ऑप्शन नंबर जो इसमें बी लिखा है, विराट कोहली और मीराबाई चानू, इनको जो है खेल रत्न मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न जो दिए जाते हैं, हाईएस्ट स्पोर्टिंग हॉनर ऑफ इंडिया के लिए दिए जाते हैं दोस्तों। और इसमें जो परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट में दिए जाते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर में दिए जाते हैं, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वॉज चेस में भी दिए जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किन संस्थानों के लिए अटल रैंकिंग शुरू की? यानी HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दोस्तों। इसमें जो HRD मिनिस्ट्री जो होती है, ये कौन सी जो है अटल रैंकिंग शुरू? सेकेंडरी स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, नर्सरी के लिए? इसमें जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, HEI यानी HEI, ये जो है ऑप्शन नंबर जो सी है, ये जो है रैंकिंग स्टार्ट की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा है कि कौन सा संगठन 1 सितंबर को अपने पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च करने जा रहा है? इंडियन रेलवे करेगी, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन करेगा, इंडियन पोस्ट करेगा, नन ऑफ द दी? इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो सी है, इंडियन पोस्ट यानी भारतीय डाक, ये जो है लॉन्च करेगा पोस्ट पेमेंट बैंक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा है कि नेता ऐप किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? यूनाइटेड स्टेट से है, रसिया से है, फ्रांस से है, जर्मनी से? दोस्तों इसमें जो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों। ये किस पार्टी से हैं? ये जो है रिपब्लिक पार्टी से हैं दोस्तों। आगे इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है।
ये कौन से हैं दोस्तों, ये व्लादिमीर पुतिन है। फ्रांस फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट दोस्त कौन है, इसमें जो है मैक्रान है दोस्तों, इमैनुअल मैक्रान है। और जर्मनी की चांसलर कौन है, एंजेला मार्केल है, एंजेला मार्केल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। एशिया की ओलंपिक परिषद ने भारत ने किस स्वदेशी खेल को मान्यता दे दी है, कंचा को दे दी है, गिल्ली डंडा कर दी है, पिट्ठू की कर दी, खो खो की। ये दो तो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, ये जो है खो खो दे दोस्तों। इसमें जो ओलंपिक परिषद का हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है कहाँ पर है, ये कुवैत में है दोस्तों, कुवैत में है। आगे जो है हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस कंपनी ने भारतीय समाचार प्रकाशकों को ऑनलाइन अपनी सामग्री लेने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट नेवलेखा लॉन्च किया है, गूगल ने किया, फेसबुक ने किया, अमेजॉन ने किया, इंस्टाग्राम ने किया। दोस्तों इसमें जो है ये गूगल ने किया है दोस्तों, ये जो है गूगल ने किया है। आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा कि इसरो किस साल तक मानव स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान लॉन्च करेगा, ये दोस्तों ये जो है 2022 में लॉन्च करेगा, ये इंडिया जो लॉन्च करने जा रहा है। इसमें जो है इंडिया का पहला मानव यानी ह्यूमन जो है इसमें जाएगा, और ह्यूमन में तो कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं दोस्तों। इसमें जो है 3 मेंबर जाएंगे, कम से कम 3 मेंबर जाएंगे दोस्तों। 2022 में जो है मिशन स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। इसमें जो है 10,000 करोड़ रुपए का जो है ये पास भी हो गया है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत ने गगनयान पर काम करने के लिए किस देश के साथ सहयोग ले दोस्तों। ये जो गगनयान मिशन है हमारा, ये किस देश के साथ जो है सहयोग में ले रहा है, USA के साथ, फ्रांस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अच्छा दोस्तों इसमें जो है ये जो फ्रांस है दोस्तों, फ्रांस ये फ्रांस से मदद ले रहा है, फ्रांस से जो है मदद ले रहा है। तो इसमें जो आगे क्वेश्चन पूछता है कि 2022 तक कितने मनु जाएंगे, 3 आदमी जाएंगे इंडिया से। तो इसमें जो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रॉन है। यहाँ की करेंसी क्या चलती है, यूरो चलती है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा कि सिंगफान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, आसाम में स्थित है, मेघालय में स्थित, नागालैंड में स्थित, मणिपुर में स्थित है। दोस्तों इसमें जो है इसको जो है एलिफेंट रिजर्व जो है इसको घोषित कर दिया गया है दोस्तों। ये जो है आसाम में, ये सिंगफान वन जीव अभयारण्य दोस्तों कहाँ है, ये जो है आसाम में दोस्तों। आसाम की हिमा दास रहने वाली, आसाम की जो है ये रहने वाली है दोस्तों। ये जो है इनको धींग एक्सप्रेस कहा जाता है, क्योंकि ये धींग गांव से रहने वाली दोस्तों। इसी में जो है जो ये एन एरा नेम्ड है दोस्तों, एक जो एरा के नाम पे जो है एक स्टेट का नाम रखा गया, जिसका नाम मेघालय न्यू जो है नाम रखा गया दोस्तों। और मणिपुर में जो है नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की गई दोस्तों। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 33 में, आर्टिकल 43 में, आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 55 में। दोस्तों इसमें जो आर्टिकल 25 है, फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजियस, यानी इसका मतलब है किसी भी धर्म के बारे में जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये जो है हमको फंडामेंटल राइट मिला है दोस्तों। इसमें जो है कुछ हम इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल बता देते हैं, जैसे अनुच्छेद 17 है दोस्तों, ये जो अप्रत्यक्षता का अंत कर दिया गया, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया दोस्तों। इसमें जो एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 19 से 21 जितने भी आते हैं, ये जो है फंडामेंटल क्या है दोस्तों, ये जो है हमको राइट मिले दोस्तों। इसमें क्या है, यह जो यानी स्वतंत्रता है, यानी इसमें क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता 19 से 21 तक प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। और दोस्तों इसमें जो अनुच्छेद 60 जो है, अनुच्छेद 60 से क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है दोस्तों, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद जो कहाँ से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से लिया गया दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2017-18 में भारत में FDI का कौन सा देश शीर्ष स्रोत है, मॉरीशस है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है, स्पेन। दोस्तों FDI का मतलब होता है कि कौन सा देश जो है पैसा जो है सबसे ज़्यादा जो है इंडिया पर, यानी आया है बाहर से पैसा, यानी फॉरेन इसमें जो FDI, यानी इसका मतलब होता है कि पैसा जो है बाहर से आया है, किस देश से आया है। इसमें जो है इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है मॉरीशस से पैसा जो है सबसे ज़्यादा आया दोस्तों, ये 2017-18 में आया। और वैसे तो नॉर्मली जो है पैसा दोस्तों किस, यानी
अपने भारत में जो है कौन से स्टेट में जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है दोस्तों, केरला में, केरला में सबसे ज़्यादा जो है बाहर से पैसा आता है। दोस्तों आगे जो है हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा किस देश ने इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध खेल शुरू किया, रसिया ने, यूएसए ने, पाकिस्तान ने, कजाकिस्तान ने। दोस्तों इसमें जो है रसिया ने किया, रसिया में जो है बहुत बड़ा जो है युद्ध खेल शुरू किया था ओस्तक, जिसका नाम था ओस्तक। इसमें जो है रसिया, रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमिर पुतिन। यहाँ की कैपिटल क्या है, मॉस्को है, और यहाँ की करेंसी क्या है, रूबल है। इसमें जो है 30,000 से ज़्यादा सैनिक, सॉरी 3,00,000 से ज़्यादा इसमें सैनिक ने भाग लिया था। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा किस राज्य सरकार ने 100 सरकारी सेवाओं के लिए एक घर के द्वार तक वितरण की योजना शुरू की। दोस्तों महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसमें से कौन सा होगा क्वेश्चन, दोस्तों इसमें जो है दिल्ली सरकार ने किया, अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के सीएम। दोस्तों इसमें जो है 40 डिपार्टमेंट हैं और 100 सेवाएं हैं, और इसमें जो 1076 जब नंबर ये डायल कर देंगे दिल्ली के अंदर, तो आपके घर तक जो है कुछ समय बाद जो है आपको जो है सारी सुविधाएँ दी जाएंगी। दोस्तों आगे क्वेश्चन को डिस्कस करें। लिखा कि आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन पूछा गया कि आपदा, आपदा न्यूनीकरण, आपदा का मतलब होता है दोस्तों जैसे भूकंप आता है, या जैसे बाढ़ आती है, या जैसे दोस्तों जैसे ये सब जैसे जो आपदा जो होती हैं दोस्तों, इनको कम करने के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, कब मनाया जाता है दोस्तों, 13 अक्टूबर को। आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा है कि भारत की पहली भारत में अंतर्निहित ट्रेन का नाम क्या। ये जो है दोस्तों ये भारत में पहली जो अंतर्निहित ट्रेन ये बनाई गई, इसका नाम है, इसका दोस्तों क्या नाम है, फास्ट्रैक एट्टी ट्रेन, एट्टी क्विक, एट्टी बुलेट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इसमें ट्रेन एट्टी जो है भारत के द्वारा जो है निर्मित की गई, ये इंडिया में जो है फर्स्ट मेड इन इंडिया है दोस्तों, फर्स्ट मेड इन इंडिया में। आगे दोस्तों हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा है केंद्र सरकार ने किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 105 करोड़ रुपए से अधिक की 4 योजनाओं को मंजूरी दे दी। दोस्तों इसमें जो है लेदर को दी जाए, फिशरीज को दी, हैंडलूम को दी, पोल्ट्री को दे दी। दोस्तों इसमें जो है केंद्र सरकार ने 105 करोड़ को जो है लेदर, यानी लेदर को, यानी जो चमड़ा है, चमड़ा को बढ़ाने के लिए जो है इसमें 105 करोड़ रुपये सरकार ने जो इसमें दिए। देखो इसमें जो कुछ क्रांतियाँ पूछ रहता है कि ब्लू रेवोल्यूशन क्या होती है, ब्राउन रेवोल्यूशन क्या होती है, गोल्डन क्या होती है, तो इसमें जो है कुछ हम इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। लिखा है कि ब्लू, यानी ब्लू क्रांति या नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली से, भूरी किससे है, लेदर या कोको से, गोल्डन यानी स्वर्ण किससे, सुनहरी हनी या हार्टिकल्चर से, हार्टिकल्चर बागवानी दोस्तों होता है, और गोल्डन फाइबर से यानी रेशा से क्या होता है, जूट से, रेड लाल क्रांति किससे होते हैं, मीट या टमाटो से, हरी हरी दोस्तों व्हाइट किससे होता है, दूध से। दोस्तों ये तो पता ही है, दोस्तों ये तो पता है कि दूध, यानी दूध, दूध के जनक कौन कहे जाते हैं, दूध यानी जो श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं दोस्तों, विश्व में कौन कहे जाते हैं, वर्गीज कुरियन, और भारत के कौन कहे जाते हैं, एम स्वामीनाथन। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है कि पुस्तक द विरोधाभासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भारत के लेखक कौन है। दोस्तों इसमें जो है शशि थरूर हैं, संजय बारू हैं, पीयूष गोयल हैं, रवि मंथान। इसमें जो है दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें से जो है दोस्तों कौन सा आंसर होगा, इसमें जो शशि थरूर साहब हैं इन्होंने जो है द विरोधाभासी प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी और उनके भारत के बारे में जो इनके ये लिखा है दोस्तों, ये जो है शशि थरूर ने लिखा है। क्वेश्चन बहुत मोस्ट है दोस्तों ये। आगे लिखा कि मोबाइल स्वास्थ्य आवेदन मेडवाच किस भारतीय सशस्त्र बल की पहल है, इंडियन आर्मी की है, इंडियन नेवी की है, BSF की है, इंडियन एयरफोर्स की। दोस्तों इसमें से जो है कौन सा, दोस्तों इसमें जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन इंडियन एयरफोर्स है दोस्तों, जो इसमें इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स जो है मेडवाच को इसने लॉन्च किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें ये पूछ लेता है कि इसमें जो है एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, वायुसेना दिन जो है कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसमें जो है चीफ कौन है, जो BS धनुआ है दोस्तों कौन है, बीरेंद्र सिंह धनुआ। आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके जो है चीफ कौन है, इसके जो है बिपिन रावत हैं। नेवी के पूछ लेता है ये जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसके कौन है, सुनील लांबा हैं। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा दोस्तों संयुक्त मल्टीनेशनल समुद्री व्यायाम IBSAMARA 2018 किस देश ने शुरू किया, इंडिया ने शुरू किया, साउथ अफ्रीका ने शुरू किया, ब्राज़ील ने शुरू किया, साउथ कोरिया ने किया। दोस्तों इसमें जो है मल्टी, इसमें कौन कौन से देश दोस्तों शामिल हैं, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका।
दोस्तों इसमें जो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, ये जो है भारत में 26 जनवरी के दिन जो है अतिथि के रूप में ये आ रहे हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। JIMX-18 भारत और किस देश के बीच समुद्री संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया है? दोस्तों जॉर्डन में, रसिया में, जापान में, इंडोनेशिया में। दोस्तों इसमें जो है कहाँ पर दोस्तों ये शुरू किया गया? दोस्तों ये जो है इंडिया में। दोस्तों इसमें जो है सॉरी दोस्तों ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है जापान। दोस्तों जापान, ये जापान के साथ दोस्तों हुआ था जिम्बेक्स हुआ था। दोस्तों ये जो है जिम्बेक्स इसे जापान, भारत और ये जापान के साथ होता है। ये जो विशाखापट्टनम में हुआ था। दोस्तों आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है कि चुनाव आयोग ने अपने आने वाले विधानसभा में गुलाबी बूथ स्थापित किए। गुलाबी बूथ का मतलब होता है दोस्तों इसमें जो है जो बूथ स्थापित किए जाएंगे चुनाव के लिए उसमें जो है पूरी तरीके से महिलाएँ होंगी, इसका मतलब ये होता है गुलाबी बूथ। इसमें जो है दोस्तों जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो है स्थापित किया। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन? आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52 हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश के अब जो है CM कौन बन गए प्रेजेंट टाइम में? कमलनाथ। कौन बन गए दोस्तों? कमलनाथ बन गए हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा कि आयु सूचना कक्ष ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश में स्थापित किया गया? JOI। लिखा है कि रोमानिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जापान। दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा? दोस्तों इसमें जो है जो रोमानिया कंट्री है इसमें जो है आयुर्वेदा स्थापित किया गया। दोस्तों ठीक है दोस्तों आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें कुछ पूछ लेता है कि आयुष का जो दोस्तों इसमें जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आयुर्वेदा हो जाएगा, योगा हो जाएगा और जो है यूनानी हो जाएगा, सिद्धा हो जाएगा और होम्योपैथिक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है कि परियोजना उन्नत से संबंधित है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरिया, अपलिफ्टिंग ट्राइबल बाई इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन हिली एरिया। दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो इंडियन प्राइवेट पोर्ट है, इंडियन जो प्राइवेट पोर्ट दोस्तों ये जो है लिखा कि डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स मीन क्या होता है दोस्तों? आगे क्वेश्चन को दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। जो ऑप्शन नंबर इसमें सी है दोस्तों वाला इसमें सही होगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जो 12 मुख्य जो पोर्ट्स से बंदर कहा गए उनको बढ़ावा देने के लिए जो है ये परियोजना उन्नत जो है चलाई गई। दोस्तों आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आगे लिखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कौन सी अल्कोहल नियंत्रण पहल शुरू की? दोस्तों इसमें जो है UNACA, सफ़र है, स्टेकलिन है, UNPRO है। इसमें जो अल्कोहल है दोस्तों, अल्कोहल जो है एथिल अल्कोहल, एथेनॉल होता है, एक मेथेनॉल होता है। मेथेनॉल जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, एथेनॉल जो है थोड़ा कम होता है। इसमें जो है ये कम नुकसान करता है। दोस्तों इसका जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। ये जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा अंडर 19 खिलाड़ी पहली बार टेस्ट शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने? दोस्तों इसमें जो है पृथ्वी शाह बने, शिखर धवन बने हैं, चेतेश्वर पुजारा बने हैं, पुजारा या अब्बास अली बैग बने। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी शाह, तो दोस्तों पता ही 18 साल के ये बन गए हैं सबसे युवक क्रिकेटर। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा दोस्तों किस भारतीय मूल व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया? दोस्तों इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, शशि चेली दिया गया है, सांद पनेसा दिया गया, गीता गोपीनाथ दिया गया, गुरुस्वामी जयरामन दिया गया। दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, गीता गोपीनाथ को जो है ये इसमें IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। दोस्तों IMF मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आगे जो दोस्तों हम देखते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसकी जो है कौन बनाई गई हैं मुद्रा कोष की जो है मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनाई गई? दोस्तों गीता गोपीनाथ। इनके जो है वो जो चीफ हैं कौन है? क्रिस्टियानो लेगार्ड है। कौन है? क्रिस्टियानो लेगार्ड हैं। आगे क्वेश्चन को, ये केरला में इससे पहले थी दोस्तों। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं।
28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 तक उड़ीसा पुरुषों की हॉकी विश्व कप के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या था, यानी इसमें जो है ये जो देख रहे हैं ये जो है ये कछुआ है, इस ये जो है विलुप्त हो रहा है, इसको बचाने के लिए शुभंकर के रूप में जो है ये ओली ओली को जो है शुभंकर माना था दोस्तों। इसमें जो है उड़ीसा में जो है पुरुषों की हॉकी विश्व कप हुई थी दोस्तों। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस किया, लिखा किस देश की टीम ने 2018 सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी जीती है, इंडिया ने जीती है, ब्रिटेन ने जीती है, न्यूजीलैंड ने जीती है, मलेशिया ने जीती है दोस्तों। ये जो है कौन जीता है दोस्तों, ये जो है कौन जीता है दोस्तों, ये जीता है ब्रिटेन ने, ब्रिटेन ने जीता है सुल्तान जोहर कप, ब्रिटेन ने जीता है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, रामिनेन फाउंडेशन ने उत्कृष्ट व्यक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे, राहुल द्रविड़ को या सचिन तेंदुलकर को, अभिनव बिंद्रा को या पुलेला गोपी चंद को। दोस्तों इसमें जो ये दिख रहे हैं ये जो है पुलेला गोपी चंद है, इनको जो है बैडमिंटन के कोच, ये बैडमिंटन के कौन है दोस्तों, ये कोच हैं, ये रामिनेन फाउंडेशन ये जो है कोच को ही दिया जाता है दोस्तों, ये मिला है पुलेला गोपी चंद को। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, किस भारतीय लोक कलाकार ने 2018 फुकुओका कला और संस्कृत पुरस्कार जीता, किसने जीता है, इल्ला अरुण ने, स्वरूप खान ने, तेजाबाई ने, मालिनी ओशी ने। दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर होगा, जो तेजन भाई एक्सपोर्टेंट ऑफ पांडोनी ए ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ से दोस्तों रहने वाली, ये तेजन भाई जो है ये इनको जो है कला संकेत का पुरस्कार मिला था दोस्तों। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस, लिखा कि हु हैज ऑन द 2018 मैन बुकर प्रोजेक्ट, दोस्तों ये जो है मैन प्राइज फॉर फिक्शन, फिक्शन के लिए जो है मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों, ऑप्शन ए अन्ना बर्न्स को, वाल एम सी डरमिट को, लियो रॉब्सन को, लेनन सेप्टन को। दो इसमें जो है दोस्तों ये एक पुस्तक इन्होंने लिखी है मिल्कमैन, ये इनका नाम है अन्ना बर्न्स जो इसमें ऑप्शन ये दिया है, अन्ना बर्न्स ने जो है पुस्तक लिखी है मिल्कमैन, इसीलिए इनको जो है फिक्शन प्राइज, यानी इनको जो है फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों इसमें जो है आगे क्वेश्चन दिया है कि नेहरू और बॉस समानांतर यानी समांतर जीवन किताब के लेखक कौन है, इसमें जो है अर्पिता घोष हैं, अभिजीत मुखर्जी हैं, रुद्रांशु मुखर्जी हैं, सुदीप बानोपाध्याय हैं, इसमें जो है कौन से दोस्तों हैं, इसमें जो लिखा है दोस्तों इसमें जो रुद्रांश इसमें जो लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी जो ऑप्शन नंबर सी है ये वाला, इसमें क्या है दोस्तों, ये सही है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, इसमें आगे क्वेश्चन है कि निःशक्तजन के लिए पहला राष्ट्र यानी पहला जो है राष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम जो है किस जो है स्टेट में स्थापित किया गया दोस्तों, ये आसाम में, हरियाणा में, मेघालय में, उड़ीसा में, ये कहाँ दोस्तों किया गया, ये जो है जो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर दोस्तों मेघालय है, मेघालय, ये मेघालय में किया गया, मेघालय के जो है गवर्नर कौन है, तथागत राय हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है, कॉनराड संगमा है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, लिखा आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान के बाद गायों के लिए जो है कौन सी जो है स्टेट जो है कौन सा राज्य जो है मिनिस्ट्री गायों के लिए जो है मिनिस्ट्री यानी स्थापित कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है, बिहार कर रहा है, झारखंड कर रहा है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश करने जा रहा है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश है, ये जो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है, यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है, और यहाँ के जो है सीएम कौन बन गए, कमलनाथ बन गए दोस्तों। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है, व्हिच स्टेट वाज अवार्डेड एज द बेस्ट स्टेट अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड 2018, तेलंगाना को, हरियाणा को, कर्नाटक को, गुजरात को। इसमें जो हरियाणा को दोस्तों इसमें पहली रैंक मिली, और जो महाराष्ट्र का जो सतारा जो ज़िला है उसको जो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है सुधार हुआ है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं,
दोस्तों इसमें क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की जीवनी को लिखा है। दोस्तों इसमें कौन लिखा है, इरफान हबीब ने लिखा, सुमित सरकार ने लिखा, रीमा हुजा ने लिखा, उमा चक्रवर्ती। इसमें से जो ऑप्शन दोस्तों है ये क्या लिखा, रीमा हुजा, ये जो है रीमा हुजा ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को आगे हम और पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है कि 2018 विश्व शिक्षक दिवस यानी WTO का विषय क्या था, यानी वर्ल्ड टीचर डे का जो है ये जो है क्या था दोस्तों, ऑप्शन ए क्या है, वैल्यूइंग टीचर्स इम्प्रूविंग देयर स्टेटस, ऑप्शन बी क्या है, एक अल्फा टीचर, ऑप्शन सी क्या है, टीचिंग इन फ्रीडम एम्पावरिंग टीचर। आगे ऑप्शन क्या है कि द राइट टू एजुकेशन मीन्स द राइट टू ए क्वालिफाइड टीचर। इसमें जो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है। अच्छा दोस्तों एक जो है इसमें क्वेश्चन आता है कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, दोस्तों 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। अब 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को मनाया जाता है यानी शिक्षक दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया है दोस्तों, द राइट टू एजुकेशन मीन द राइट क्वालिफाइड टीचर। दोस्तों इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है किस क्रिकेट सांख्यिकी विद ने इंडियन प्रतिबिंब किताब लिखी है, व्हिच क्रिकेट स्टेडियम स्टेटिशियन हैज अथोराइज्ड द कन्वर्सेशन एंड रिफ्लेक्शन बुक। देखो इसमें जो है ऑप्शन ए क्या है दोस्तों, संजय मंजरेकर, और दूसरा ऑप्शन है जतिन सप्रू, ऑप्शन सी क्या है, सुशील दोषी, ऑप्शन डी क्या है, विजयन वाला है। इसमें जो ऑप्शन नंबर जो डी है विजयन वाला सही होगा। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या, भारत की पहली मिस ट्रांस क्वीन मतलब क्या होता है दोस्तों, एक मेल होता है एक फीमेल होता है और जो बीच वाला होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, ट्रांस क्वीन। ये जो है कौन बनी है, वीना सांड्रे या सैन्या सूद बनी है या नितेशा विश्वास बनी है या नमिता अम्मू बनी। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर ये है वीना सांड्रे, इनको जो है पहली ट्रांस क्वीन बनाई गई। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा कि इसरो ने हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी इसरो ने हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके साथ राज्य विश्वविद्यालयों ने अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सतीश धवन केंद्र स्थापित किया है। ऑप्शन ए होगा असम, ऑप्शन बी होगा उड़ीसा, ऑप्शन सी होगा जम्मू, ऑप्शन डी होगा वेस्ट बंगाल। इसमें जो है दोस्तों इसमें से कौन सा होगा दोस्तों, इसमें उड़ीसा में सतीश धवन जो है इंडियन मैथमेटिशियन और एरोस्पेस जो है इंजीनियर, ये जो है स्थापित वहाँ पर जो है इसरो जो है स्थापित किया जाएगा दोस्तों, ये उड़ीसा में है भुवनेश्वर। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने हाल ही में संगीत अकादमी से विशेष जीवनकाल उपलब्धि पुरस्कार जीता। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है लालगुडी जी जयरामन, एक है बिक्कू विनायक राम, और ऑप्शन सी है हरिप्रसाद चौरसिया, और ऑप्शन डी है कमला लक्ष्मी नारायणा। देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर है बिक्कू विनायक राम ये जो है इनको जो है संगीतकार में जो है उपलब्धि जो है संगीत अकादमी से जो है इसे नवाजा गया। दोस्तों आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर। लिखा कि वायुसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों, एयरफोर्स डे जो है कब मनाया जाता है दोस्तों, ये जो है मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, कब मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है कि सीमा सुरक्षा BSF यानी सीमा सुरक्षा बल क्या होता है दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों होता है BSF के नए महानिदेशक को नियुक्त किया गया, के शर्मा किए गए, रजनीकांत मिश्रा किए गए, SS देवल किए गए या देसवाल किए गए या PS मुंशी किए गए। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है रजनीकांत मिश्रा को जो है BSF के महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये जो है 1984 बैच के जो है ये बने थे, ये जो पुलिस सर्विस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश के कैडरे के। इसके बाद जो है के शर्मा को बनाए गए थे। इसके बाद क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है कि 2018 संघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है, रोजर फेडरर जीता है, बोर्ने कोरिक ने जीता, नावक डिकोजोविक ने जीता, एंडी मेरे। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है नावक डिकोजोविक, ये ऑप्शन नंबर जो सी है नावक डिकोजोविक ने जीता है, ठीक है दोस्तों।
ऑप्शन आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिखा कि हु इज द आथर ऑफ द बुक हाफ एंड नाइट इज गॉन, यानी आधी रात जा चुकी, हुई शॉर्ट लिस्टेड फॉर द हिंदू प्राइज। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि जब रामचंद्र जी जो है जब लक्ष्मण की जब वो लक्ष्मण जी के जब बाण लग जाता है तो हनुमान जी को जो है भेजते हैं कि जाइए संजीवनी बोटी लेने जाइए, तब जो है उसके बारे में वही बताया गया है। तो बताते हैं कि आधी रात जा चुकी है, अब देखो कब आते हैं। तो उसी के आधार पे जो ये पुस्तक लिखी गई है, इसमें जो है ये पुस्तक कौन लिखा है दोस्तों, ये पुस्तक को जो है कौन लिखा है दोस्तों, ये लिखा है जो अमिताभ बागची हैं। ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने ही पुस्तक को लिखा है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा किस अमेरिकी आधारित दलित लेखक ने 2018 शक्ति भट्ट प्रथम पुरस्कार जो जीता है। इसमें ऑप्शन जो ए है दीपिका उन्नीकृष्णन है, अंचल मल्होत्रा है, सुजाता गिडला है, या जो है सनम मेहर है। इसमें जो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है सुजाता गिडला ने जो है इस पुस्तक को लिखा है, और इनको जो है अमेरिकी आधारित लेखक ने शक्ति भट्ट पुरस्कार इनको दिया है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है 2018 नोबेल शांति का पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों इसमें जो है दो लोगों को मिला है, एक मिला है डेनिस मुकावेज को और नादिया मुराद को मिला है। नादिया मुराद को, तो इसमें तो ऑप्शन सी नादिया मुराद है। आगे जो है क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि म्यांमार के नेता आंग सान सू की को किस सम्मान से अलग कर दिया गया। इनको जो है दोस्तों शांति पीस का भी नोबेल मिला है, और इनको जो है कनाडा का जो इनको कनाडियन सिटीजन थी उनको जो है उस पद से सम्मान से अलग कर दिया गया। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा कि साहित्य में 2018 नया अकादमी पुरस्कार किसने जीता, जिसे नोबेल साहित्य पुरस्कार के विरोध में बनाया गया। दोस्तों ये जो है एक जो है साहित्य यानी जो लिटरेचर का नोबेल दिया जाता था, ये 2018 का नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया क्योंकि उसमें जो जो देते हैं उनके तो उनके जो पति थे उसमें जो है इसमें शामिल थे, तो इसी वजह से जो है कुछ केस में जो है इनको यानी शांति के खिलाफ थे यानी उसमें जो है इनको उसमें शामिल थे, तो इसी वजह से जो है शांति का जो है जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो अब 2018 में नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसके सापेक्ष यानी उसी के तरह जो है उसके विरोध में एक बनाया गया है जो ये है मैरसे कोंडे को जो है मिला है दोस्तों, ये जो है मीटू मूवमेंट के जरिए उसमें जो ये फंसे थे, इसीलिए जो है मीटू मूवमेंट दोस्तों एक चला है मीटू मूवमेंट के जरिए से जो है इनके जो पति थे इनके नहीं सॉरी जो देते हैं उनके पति जो थे तो वो जो उसमें शामिल थे, इसी वजह से जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है अब 2018 का नहीं दिया जा रहा। लेकिन उसके सापेक्ष में जो है एक दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, ये जो है किनको मिला है यानी उसी के जैसा मिलेगा, ये जो है मैरसे कोंडे को दिया जा रहा है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है किस देश के कैबिनेट ने 2 साल पहले निकलने के बाद राष्ट्रमंडल में फिर से जुड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैमरून ने, मलेशिया ने, मालदीव ने, जिम्बाब्वे ने। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन जो इसमें मालदीव है दोस्तों जो इसमें मालदीव है ये जो है मालदीव ये मालदीव जो है फिर से जुड़ेगा। दोस्तों इसमें जो है 53 मेंबर थे लेकिन इसके बाद जो एक फिर जुड़ गया है, अब इसमें 54 हो गए। दोस्तों ये मालदीव के जो है प्रेसिडेंट दोस्तों कौन, इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है ये 19 नवंबर को बने हैं। मालदीव की कैपिटल क्या है, माले। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है कि इंटरपोल के नए राष्ट्रपति चुने गए कौन हैं, बिल ब्राडर हैं, अलेक्जेंडर हैं, मेंग हनोई हैं, किम जोंग यांग हैं। दोस्तों इसमें जो किम जोंग यांग हैं ये जो हैं इंटरपोल के नए राष्ट्रपति जो है चुने गए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस दोस्तों इसका हेडक्वार्टर क्या है, लियन फ्रांस के प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रॉन है। दोस्तों आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस देश किस राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय को मंजूरी दे दी। दोस्तों ये जो हैदराबाद है ये हैदराबाद और तेलंगाना पहले जो है एक में ही था, तेलंगाना जो 2 जून 2014 को बनाया गया था, इसके बाद जो है ये जो यहाँ की जो हाई कोर्ट था वो जो है तेलंगाना में चला गया था, हैदराबाद जो राजधानी थी वो जो है और हाई कोर्ट ये दोनों जो है तेलंगाना के पास चले गए थे लेकिन आंध्र प्रदेश के पास नहीं था, तो आंध्र प्रदेश ने जो है 25वां हाई कोर्ट का निर्माण बना और यहाँ की जो है कैपिटल आंध्र प्रदेश की अमरावती बनी। यहाँ के गवर्नर कौन है, ESL नरसिम्हा राव। ये जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के ये गवर्नर हैं, ESL नरसिम्हा राव। यहाँ की कैपिटल यहाँ की क्या है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है। और यहाँ के CM कौन है,
चंद्रबाबू नायडू, यहाँ का 25वां हाईकोर्ट दोस्तों बनाया गया है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है किस भारतीय पत्रकार ने साहस के लिए 2018 लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता? रवीश कुमार जीते हैं, अरविंद गोस्वामी जीते हैं, या स्वाति चतुर्वेदी जी या ध्रुव राठी? देखो दोस्तों, जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, स्वाति चतुर्वेदी, स्वाति चतुर्वेदी जो है ये इनको जो है लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा किस भारतीय व्यक्तित्व को मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मैक्सियन ऑर्डर ऑफ द एजटेक यानी एजटेक ईगल से सम्मानित किया गया है? श्यामा प्रसाद गांगुली है, नाइटिंगेल नोहरिया है, अभिजीत बनर्जी है, अभिनाथ दीक्षित हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है, इसमें श्यामा प्रसाद जो गांगुली हैं दोस्तों, श्यामा प्रसाद गांगुली, इनको जो है मैक्सिकन ऑर्डर द एग्जेक्ट पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, किस देश की अंडर 17 लड़कों की टीम ने सुब्रोटो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 जीता है? अफगानिस्तान ने जीता, नेपाल ने जीता, बांग्लादेश ने जीता, इंडिया ने जीता? इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, बांग्लादेश, हमारा जो भारत का पड़ोसी है, हमारे देश के पड़ोसी है, ये जो है बांग्लादेश ने जीता। बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है, शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। लिखा है कि 2018 गिलेट्स मैन पुरस्कार किसने जीता? कैलाश सत्यार्थी ने जीता, मलाला यूसुफजई ने जीता, नादिया मुरान ने जीता, बेबकू या हेलुजी? दोस्तों इसमें 2014 में जो है मलाला यूसुफजई को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। इसमें जो है इनके 3 गोली लगने के बावजूद भी ये जीवित रह गई थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज 2014 में दिया था गया था। और उनके साथ जो है कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था, ये हार्वर्ड जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो है इनको दिया गया था। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है कि फीका उभरते कलाकार पुरस्कार 2018 के प्राप्तकर्ता कौन है? राखी पेशवानी है, लती गुप्ता है, अनुपम राय है, सिराना सहबाज हैं? देखो इसमें क्वेश्चन दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, आप अनुपम राय, अनुपम राय जी को जो है मिला है फीका उभरते कलाकार पुरस्कार। देखो आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि भारत ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिम्बैक 2018 के देश के साथ किया? श्रीलंका के साथ किया, साउथ कोरिया के साथ किया, सिंगापुर के साथ किया, स्विट्जरलैंड के साथ किया? दोस्तों इसमें जो है कुछ एक्सरसाइज को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। सिम्बैक्स किसके साथ होता है? सिंगापुर और इंडिया के साथ। सिलाइनेक्स किसके होता है? श्रीलंका और इंडिया के साथ। जिम्बैक्स किसके साथ? जापान और इंडिया के साथ। दोस्तों इसमें जो श्रीलंका है, श्रीलंका और इंडिया के साथ। दोस्तों श्रीलंका के बारे में देखो कुछ हम बता देते हैं। श्रीलंका में जो यहाँ की कैपिटल क्या है श्रीलंका की? जयवर्धनेपुरा कोटे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है कौन है? सिरिसेना है। कौन से हैं? सिरिसेना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो मटाला एयरपोर्ट है, जो मटाला एयरपोर्ट है वो जो है भारत ने लीज पर ले लिया है। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा कि व्यायाम भारत 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये जो है इंडोनेशिया के साथ किया गया, मलेशिया के साथ किया गया, सिंगापुर के साथ हुआ, रसिया के साथ हुआ? दोस्तों ये जो है रसिया के साथ हुआ, रसिया के साथ हुआ। दोस्तों एक जो है दोस्तों अविंद्रा, जो अविंद्रा है, अविंद्रा ये जो है रसिया के साथ हुआ था दोस्तों। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय एक्सरसाइज समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच होता है? सिंगापुर के साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ होता है, मलेशिया के साथ होता है, मॉरिशस के साथ होता है? दोस्तों ये जो है किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ। द्विपक्षीय एक्सरसाइज किसके यानी समुद्र शक्ति किसके साथ होता है? इंडोनेशिया के साथ होता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है किस बैंक ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए तहत ऋण की त्वरित प्रक्रिया के लिए PSA पोर्टल तैयार किया और विकसित किया? पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक? दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर जो डी है इलाहाबाद बैंक, इसके जो है पोर्टल ये जो है तैयार किया है दोस्तों। आगे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब हम यहीं तक रखते हैं और बाकी थोड़े बहुत जो है क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी ये जो है कल हम अगले पार्ट में डाल देंगे। और ये जो है जून से दिसंबर तक के लिए जो है इसमें क्वेश्चन पूरे डिस्कस किएंगे दोस्तों। ये जो है पार्ट जो है तीन टोटल 4 पार्ट हो जाएंगे दोस्तों। 4 पार्ट जो है ये UPP के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। यही क्वेश्चन को बार बार देखिए, यहीं से इससे बाहर जाएंगे नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों।